ने मचाया उत्पात। भयभीत रहे कॉलोनी वासी। रसीद कॉलोनी में 3-4 दिन से एक बैल घूम रहा था। रसीद कॉलोनी वासियों का कहना है कि बैल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते वारागिरों को अपना निशाना बना रहा था। वहीं बैल द्वारा कई मकानों की बाउंड्री वाल भी तोड़ दी गई, जिसके कारण कॉलोनी वासी भयभीत थे। वहीं कॉलोनी वासियों ने कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका में भी की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं उन्हें कहा कि आप पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क करें। वहीं कॉलोनी वासी जब पशु चिकित्सालय में डॉक्टर के संपर्क में पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने बताया कि यह हमारे अधिकार में नहीं आता, इसके लिए आपको नगर पालिका से ही संपर्क करना पड़ेगा। हारकर कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत SP से की, जिसके बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन इससे पूर्व भी कॉलोनी वासियों ने हिम्मत कर उक्त बैल को रस्सी से बांध लिया था। पानी डाल सब डंडा लेने खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल हम जानते हैं अपनी रात के जान कितनी खतरे में थी। वैसे बिल्कुल लेने को जहाँ से कूद गया था बड़ी मुश्किल से निकाला, जहाँ से भी फटाके चला चला के नहीं, पानी डाल डाल के मैं बताऊँ आपको। कोई ले आया वो ले आता नहीं, बैठेगा ना तो गली में बांध दो। लेकिन अंदर नहीं जा रहा। हमारे भरोसा भाई साहब है पंडित जी, उनके घर में आके घुस गया तो हम लोगों ने ना काफी प्रयास करा, 100 नंबर फोन लगाया हमने कंट्रोल रूम पे, वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। नगर पालिका भी हमने फोन लगाया, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं भाई। हमारी रात में हमने मोहल्ला वाले ने लोगों ने हमने सबने मिल के नहीं आता पाई करी, बड़ी मुश्किल से वो सांड़ को निकाला हमने। जब रात में 12 बज गए हमें जब मुश्किल से सो पाए, मतलब दीवालन में मूड मारी वाने, मतलब इतना डर लग रहा था कैसे ना हो जाए किसी को, बच्चे को मार दे, आदमी को मार दे, लेडीज को मार दे, तो इतना काफी डर बना हुआ रहा। कल पिछले 3-4 दिनों से एक बैल था जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी और वो काफी परेशान कर रहा था। जो उसके पास से गुजर रहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, गाड़ी हो, मकान हो, वो सभी चीजें को नुकसान पहुँचा रहा, क्षति पहुँचा रहा था। लोगों ने उसको पानी पिलाने का, चारा वगैरह खिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसको ना तो खा रहा था ना पानी पी रहा था। उसके बावजूद वो मतलब हर किसी को मारने के लिए पिछले 3-4 दिनों में उसने एक महिला को चोट पहुंचाई, कई मकानों की दीवारों को ध्वस्त कर दिया, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह को मतलब तोड़ दिया। और हमने उसके लिए प्रशासन से मदद मांगी तो प्रशासन में हमने, चूँकि नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय जाएँ, वो लोग इसको बेहोश कर देंगे तब हम इसको उठवा लेंगे। पशु चिकित्सालय में डॉक्टर धाकरे जी और अन्य भदौरिया जी संपर्क करने पर उन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि हम इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, चूँकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप चाहे तो कलेक्टर महोदय से भी इसकी बात शिकायत कर सकते हैं। हमने सब तरफ से प्रयास कर लिया और गौ रक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ता लोग भी आए थे, पर उन्होंने भी ये कहने से मना कर दिया था, ये काम करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमको SP साहब ने मना किया है, हम किसी प्रकार से किसी प्रकार कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। अंततः जाके हमको पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन लगाना पड़ा, फिर उनकी जानकारी में बात देनी पड़ी। उसके बाद से फिर नगर पालिका का एक वाहन आया और वो उसको हाथ पैर बांध कर, चूँकि उसके पहले हमारे ही मोहल्ले के हमारे साथी गणों ने उस बैल को रस्सियों से बांध कर एक खम्भे से बांध दिया था। फिर उसके बाद जो नगर पालिका का वाहन आया वो उसको लेकर गया और यहाँ से ये कहकर लेके गया कि हम इसको उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लेकर जा रहे हैं।